मंदसौर के नाहरू खान इस लॉकडाउन में लगातार उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करते आ रहे हैं जिनका शहर में कोई भी नहीं है या जो लोग अस्पतालों में अपने घर से दूर मरीजों के साथ में हैं। ऐसे में नाहरू खान भूखे लोगों के लिए मसीहा बनकर काम भी कर रहे हैं। नाहरू खान प्रतिदिन 1.5 से 2 हज़ार लोगों के लिए निवाले का इंतजाम भी कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपना प्लांट बंद करके रसोई में तब्दील भी कर दिया है जहां लगातार खाना बनता ही रहता है। असल में नाहरू खान ने अपने जीवन में बहुत ही गरीबी देखी है और भूख क्या होती है इसका उन्हें अच्छे से एहसास भी है। शायद यही बड़ी वजह है कि शहर के हजारों लोगों का पेट अकेले नाहरू खान भर रहे हैं। पेशे से ये मिस्त्री है जो कृषि मशीनें बनाते हैं और दूसरी क्लास तक ही पढ़े लिखे हैं। इन्होंने हाल ही में एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन भी बनाकर मंदसौर जिला अस्पताल को दी है। इनके साथ ही आबिद हुसैन का कहना है कि नाहरू भाई प्रतिदिन 1.5 हज़ार से ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाते हैं। उनके बेटे भी हमारे साथ खाना बांटने जाते हैं। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद भाई, किस तरीके से व्यवस्था और क्या क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा? ये यहाँ नाहरू भाई नएपुरे के रहने वाले हैं। इनके यहाँ पे जो खाना बनता है ये खाना 1500 से करीब करीब 1500-1600 लोगों का खाना डेली बनता है और पूरी तरीके से साफ सफाई का ख्याल अच्छी तरीके से रखा जाता है। और इस खाने को लेके हम लोग जाते हैं, इनका एक बच्चा है वो और दो मित्र और है वो, हम सब साथ में जाते हैं ऐसे गाड़ी में भर के अस्पताल ले जाके बांटते हैं। अस्पताल में सभी तरह के लोग आते हैं, वहाँ ले जाके सारा खाना बांट देते हैं और रास्ते में जो भी लोग रुके हुए हैं जहाँ जाके भी मजदूर वर्ग के, उन सब लोगों को भी ये खाना हम देते हैं। इसमें कोई भी धर्म का लोग, जितने भी धर्म के सभी तरह के लोग आते हैं और सबों को हम ये खाना वितरण करते हैं। इसमें कहीं भी जितनी भी जगह जाते हैं, मंडी, बुनियाखेड़ी, अपने ट्रांसपोर्ट नगर और BPL चौराहा और कहीं से भी किसी प्रशासन का भी फ़ोन आता है तो उनको भी हम रास्ते में ही पैकेट दे देते हैं। हाँ, 1500 से 1600 लोगों का खाना डेली बनता है। मैंने मोदी जी का आदेश देखा, समाचार सुने उनके, ताकि मैंने ये सोचा कि जिनका कोई नहीं है उनका क्या होगा, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे भोजनशाला चालू की और भोजन वितरण मैंने चालू किया 22 तारीख से ही। आज भी लॉकडाउन है, बढ़ता गया तो साथ साथ में मेरे भोजन व्यवस्था भी बढ़ती गई और आज भी भोजन वितरण चालू है और जिनका कोई नहीं है आज भी मेरे करीब 1500-1600 पैकेट डेली सप्लाई होते हैं। और मेरे बच्चे हैं, एक लड़का है, कुछ मेरे दोस्त है, वो सप्लाई करते हैं। यहाँ से गाड़ी जाती है हमारी पिकअप, और पिकअप से हम सबको बांटते हैं। सब्जियाँ वगैरह कहाँ से, क्या है सामान जो है पास में ही अपने सब्जी मंडी यहीं पे, यहाँ से सुबह सुबह सब्जी मंडी खुलती है, यहाँ से रोज डेली दूसरे दिन तीसरे दिन मैं सब्जी मंगा लेता हूँ और सब्जी भी चेंज करके बनाता हूँ मैं, ताकि हर आदमी को भोजन अपने हिसाब से सही मिल सके। तो कौन खास किन लोगों के लिए खाना होता है सर? खास किन लोगों के लिए, किन तरह के लोग? खास ये मतलब जिनका कोई नहीं है वो कहाँ जाएंगे भोजन के लिए, ये उन लोगों के लिए भोजन है। ताकि जिनका कोई भी नहीं है, मान के चलिए कि किसी के घर नहीं, किसी के बाहर नहीं है, बहुत से यहाँ पे ऐसे हैं कि बहुत से जैसे वर्कर लोग हैं जो मजदूरी करते हैं दिन की डेली की, ये उन लोगों के लिए भोजन है जो रोज का खाते हैं, रोज का कमाते हैं, उन लोगों के लिए भोजन है ये। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।